23वां अध्याय। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसका उठाना कठिन है बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वो उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने और सौंफ जीरे का दसवां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो
हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। धर्मी हाबील से लेकर बिरियाह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे।